वली मोहम्मद दाऊद पोटो फ्रॉम वाटर मैनेजमेंट सर्विसेज से आपसे मुखातिब है। पिछले हफ्ते जो हमने वीडियो आपको दिखाई थी रिजर्वायर एक्सप्रेशन के बारे में, आज दोबारा उसी साइड पे हम खड़े हुए हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये अर्थन वाटर कोर्स है, इसमें ये लाइन नहीं है, मैंने पक्का नहीं है, और ये कच्चा वाटर कोर्स है जिसमें पानी खड़ा हुआ है और इसमें अभी फ्लो नहीं है। इसको कहते हैं हम डेड वॉल्यूम वाटर। डेड वॉल्यूम वाटर जब खड़ा होता है या ये फ्लो कर रहा होता है पानी, तो ये जैसा कि कच्चा है तो इसमें सीपेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और सीपेज सबसे ज़्यादा हमारी जो है ना पानी का वेस्टेज है ज़ेर ज़मीन में, और साइडों से और नीचे ज़मीन में पानी का ज़ियान हो जाना, बह जाना। ये अगर वाटर कोर्स अगर लाइंड होता, चाहे वो प्रीकास्ट कंक्रीट से हो या ब्रिक लाइनिंग से, तो ये इसमें सीपेज का इतना मसला नहीं पैदा होता। आइए मैं आपको दिखाऊं कि इसके सीपेज की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, जो हमने रिजर्वायर खोदी है उसमें क्या हाल हुआ है। आप देखें ये जो पॉन्डिंग हुई पड़ी है इसमें रिजर्वायर में, ये कोई वाटर कोर्स से भरा हुआ नहीं है, ना ये ट्यूबवेल ने भरा है इस पॉन्ड को। ये वही पानी है जो यहाँ से सीपेज हो रहा है वाटर कोर्स से, और ये अंदर ही अंदर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से इसमें ज़मीन में जमा हुआ है। ये पूरे एक तो इस वाटर कोर्स की सीपेज का मसला है, दूसरा जो है हम जो अपने पौधों को ज़्यादा पानी देते हैं इसकी ज़रूरत से ज़्यादा, वो पौधा जितना इस्तेमाल करता है पानी वो वही इस्तेमाल करता है, वो पी लेता है पानी, कुछ एवापोरेशन में हो जाता है, बुखारात की सूरत में टेम्परेचर बढ़ता है तो आसमान की तरफ उड़ जाता है, कुछ ये दरख्त पी जाते हैं, पौधे पी जाते हैं, जो कि ट्रांसपायरेशन की मदद से आसमान की तरफ उड़ जाता है पानी, जो ये कंज्यूम भी करता है अपनी ग्रोथ में। बाकी जो ज़्यादा पानी होता है जो इसकी रीच से बाहर है, जो इसकी पहुंच से बाहर है, वो ज़मीन में नीचे दाखिल हो जाता है और फिर वो ग्राउंड वाटर टेबल में ऐड होके फिर उसकी वाटर टेबल की डेप्थ को बढ़ा देता है, जिसका ये आपके सामने रिजल्ट मौजूद है कि हमारे जो है ना अभी खुदाई हुई है और पानी इसमें पॉन्ड हुआ पड़ा हुआ है, जमा हुआ पड़ा हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप देखें इस तरह के मसले जो पैदा होते हैं, हम उसकी रोकथाम के लिए कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर वीडियो बना के आपको पेश करें, ताकि आपकी इस्लाह हो सके, हमारे ग्रोअर की इस्लाह हो सके और हमारे दोस्त भाई जो काश्तकार हैं उनकी इस्लाह हो सके। थैंक यू वेरी मच।